नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पे। कभी सोचा है आपने कि हम अंगूर के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं? तो चलते हैं थोड़ा छत पे और करते हैं अंगूर के साथ एक एक्सपेरिमेंट। तो हम ये ग्रेप वाला, जो अंगूर वाला एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, करने छत पे आए हैं। लेकिन मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ जब छत पे आ ही गए हैं ओपन स्पेस में, कि यहाँ पर भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। तो वैसे तो पालक, भिंडी, बहुत सारी चीज़ें हम वैसे भी हिडन ट्रायल कर रहे हैं उगाने का, लेकिन एक पानी में उसको कैसे उगा सकते हैं, सब्जियों को, या पानी के साथ कैसे उनको जड़ों को हम देख सकते हैं। अब देखेंगे कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। चना, ये चने का जड़ है, तो हम मिट्टी में होता है तो हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पानी में उसको उगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसके जो रूट्स के स्ट्रक्चर हैं वो भी बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो जो खासतौर पे टीचर्स देख रहे हों या जो पेरेंट्स देख रहे हों, उनके लिए ये काफ़ी सही है कि वो रूट्स को ले सकते हैं और बच्चों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, उनको एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, उनको चार्ट बनाने के लिए दे सकते हैं और वो प्लॉट कर सकते हैं कि कैसा रूट कौन से पेड़ का है, किस तरीके का है और कितना पानी है, कितने दिन में बदलना है, ये भी अपने आप में पैरामीटर चेंज करके देख सकते हैं कि अगर हम मिट्टी में उगा रहे हैं तो कितने जल्दी उसका ग्रोथ हो रहा है, पानी में उगा रहे हैं तो कितना जल्दी उसका ग्रोथ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं अपने घर पे ही, अपने किचन में ही, गार्डन में ही। हम ग्रेप का आप करते हैं, अंगूर का हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं।